स्टेप वन फोटो एड करें, स्टेप टू म्यूजिक और टेम्पलेट फोटो के हिसाब से सिलेक्ट करें, स्टेप थ्री कंप्यूटर के अंदर वीडियो सेव करें या यूट्यूब या फेसबुक जैसी सोशल साइट के ऊपर शेयर करें। ये है फोटो फायर स्लाइडशो मेकर। इसके अंदर है 180 से ज्यादा टेम्पलेट जैसे बर्थडे, किड्स, मेमोरी, हॉलीडे, फैमिली या पॉपुलर अलग अलग तरह के, और कई सारे फोटो एडिटिंग फीचर जैसे कि क्रॉप, ट्रिम, वीडियो एड इफेक्ट्स। इसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको फ्री में ट्रायल डाउनलोड करके पहले देख भी सकते हैं। स्किन फिल्टर एक्शन लेकर आया मैं आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही मैं आपको एक्शन बनाना बताऊंगा और एक्शन बना हुआ भी आपको डाउनलोड करने के लिए दूंगा। स्किन को किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, स्किन को एकदम स्मूथ और क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल फ्री के अंदर। कोई प्लगइन नहीं है, आपको फोटोशॉप के अंदर ही करना है सब कुछ। कोई भी दूसरा प्लगइन यूज में हम नहीं लेंगे। कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास के बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और अब आइए देखते हैं किस तरह से आप स्किन फिल्टर एक्शन खुद बना सकते हैं और बना हुआ किस तरह से आप यूज में लेकर के स्किन को एकदम फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में ब्रश टूल है और मैं जैसे यहाँ पर स्किन के ऊपर इस टूल को यूज़ में ले रहा हूँ तो देखिए बालों के पास में से स्किन के ऊपर जैसे जैसे मैं यूज़ ले रहा हूँ बहुत ही शानदार स्किन की टोन आ रही है। और यहाँ पर आप जैसे जैसे देख सकते हैं एक पैटर्न सा आ रहा है स्किन के ऊपर, बहुत ही शानदार। अब मान लीजिए गालों के ऊपर आपको यहाँ पर करना है तो इसी तरह से आप जैसे जैसे यहाँ पर यूज़ में लेंगे दाग धब्बे जो हैं वो तो गायब हो ही रहे हैं। इसके अलावा स्किन जो है उसका अच्छा खासा एक यहाँ पर पैटर्न बन के आ रहा है। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पर एक एक्शन आप यूज़ में ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा एक्शन किस तरह से बना सकते हैं। एक्शन आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा से इस तरीके को किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं फोटोशॉप के अंदर मैं भी बताऊँगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर, और यहाँ अगर नीचे की साइड में आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से उबड़ खाबड़ या दाग धब्बे सारे के सारे यहाँ पर रिमूव हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जो दाग धब्बे हैं वो तो यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहे हैं। इसके आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जस्ट फोटोशॉप की एक ट्रिक है। इसको अगर आप यहाँ पर लिप्स के ऊपर भी इस तरह से यूज़ में लेंगे तो भी देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा पैटर्न आ रहा है। और इस फोटो को मैं आपको कंप्लीट करने के बाद में बिफोर एंड आफ्टर भी बताऊंगा। अब देखिए जो बड़े बड़े दाग धब्बे होते हैं उनको तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो बड़े दाग धब्बों को आप रिमूव करने के लिए स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल यूज़ में लेकर के पहले ही फोटो के ऊपर जब ये यूज़ करें तो इससे पहले इन दाग धब्बों को, बड़े बड़े दाग धब्बे हों उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में एकदम शानदार अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास में एक और फोटो है, इस फोटो के ऊपर हम यूज़ में लेंगे, एक्शन भी आप बना सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं साथ में ऐसा काम करता हूँ एक एक्शन रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक सेट बना लेते हैं, जीरो नाम से ऐसे लिख लेते हैं और एक्शन क्रिएट न्यू एक्शन, ये एक्शन 6 रिकॉर्ड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी फोटो का कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। और एक और फिर कंट्रोल जे से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फाइल के अंदर फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे, सरफेस ब्लर को यूज़ लेंगे। और ये डिपेंड करता है बड़ी छोटी फ़ोटो के हिसाब से, जैसे फ़ोटो की साइज़ बहुत बड़ी है तो मैं रिड्यूस यहाँ पर 60 या 55 तक यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ और थ्रेशोल्ड भी मैं यहाँ पर 30 या 40 इस तरह से कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 करूँगा तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ही कर देता हूँ, कम नहीं करूँगा, 35 तक इस तरह से मैं कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। ये आप जैसे बड़ी साइज़ की फ़ोटो है तो यही आप यूज़ में लें, अगर छोटी साइज़ की फ़ोटो हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ इस तरह का स्किन का जो लुक आ जाए, जैसे एकदम स्मूथ आ जाए उतना आप कर सकते हैं। हमने क्या किया है, दो डुप्लीकेट बनाई फ़ोटो और एक के ऊपर सरफेस ब्लर जो यूज़ ले लिया, ठीक है। आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना करके भी इन फिल्टर को यूज़ में ले सकते हैं ताकि बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अल्ट के साथ में जैसे नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है एक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा अल्ट के साथ में जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो दबाऊँगा तो सिलेक्ट बैकवर्ड लेयर, ये नीचे वाला लेयर जो सिलेक्ट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इस लेयर को कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट जो एंड हो रहा है उसको दबाएंगे यानी कि ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने के बाद में हमें क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट कर ही रखा है यहाँ से
और यहाँ से नॉर्मल की बजाय हम सिलेक्ट कर देंगे लीनियर लाइट, और फिल्टर के अंदर जा कर के अदर के अंदर जा कर के हाई पास फिल्टर दे देंगे। और ये आप अपने फोटोज़ के हिसाब से दे सकते हैं, अगर आप इसको 2 तक देंगे तो भी ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आएगा। तो बड़ी जो जितनी होगी उसके हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसे समझ लीजिए जो कैमरे से हम निकालते हैं फ़ोटो, उसके लिए स्टैंडर्ड साइज़ में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 कर दिया, ओके कर देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर को साथ में सिलेक्ट करने के लिए एक्शन के अंदर क्या करेंगे, अल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है उसको दबाएंगे। तो जिससे क्या होगा, ये दोनों लेयर अब यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेट बनाने का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बन गया। अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मास्क बनाना है, क्लिक करेंगे मास्क बन गया। अब कंट्रोल आई से इस मास्क को हम कर देंगे इन्वर्ट और बी दबाएंगे तो ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, बस एक्शन को कर देंगे स्टॉप। और अब इतना काम आप अगर एक्शन में बनाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से स्टेप मैंने एक्शन के अंदर यूज़ लिए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो के स्क्रीनशॉट में इस तरह से देख सकते हैं आप, वीडियो को रोक करके ये सारे स्टेप मैंने यहाँ पर यूज़ लिए हैं, ठीक है। अब अगर इस एक्शन को हमें चेक करना है तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। एक बार क्या करते हैं, इस ग्रुप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट ग्रुप एंड कंटेंट्स कर दिया। अब इस एक्शन को यहाँ पर प्ले करेंगे तो कंप्लीट एक्शन प्ले हो गया और सारे के सारे उसी तरह से आ गए जिस तरह से हमने यहाँ पर कमांड दिए थे। देखिए इस तरह से हो गया, आई पास फिल्टर आ गया और इन दोनों का ग्रुप बन गया और उसके बाद में इन्वर्ट और सिलेक्ट ब्रश, बस कंप्लीट। तो ये एक्शन जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप खुद भी बनाना सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्शन। अब हमें क्या करना है, इस मास्क को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में ब्रश सिलेक्ट हो ही गया, अब यहाँ पर हमको इस तरह से इस ब्रश को यूज़ में लेना है। जहाँ जहाँ स्किन है और उस स्किन को हमें सॉफ्ट बनाना है वहाँ वहाँ पर हम यूज़ में लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और शार्प भी हो जाएगी, एक साथ कई सारे काम हो जाएंगे इस एक्शन से। अब देखिए यहाँ पर हम यूज़ में ले रहे हैं, यहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं। और एक और मैं बात बताऊँ आपको, कहीं पर आपको ऐसे लगे कि ये ओवर हो रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा लेप आपको करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से ओपासिटी आप कम कर सकते हैं। 100% करेंगे, मान लीजिए आप 100% करेंगे तो ये 100% वर्क करेगा। अगर आप इसकी ब्रश की ओपासिटी कम कर लेंगे तो ये उसके ऊपर उतना 100% वर्क नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको यूज़ में लेना है, यहाँ पर इस तरह से यूज़ में लेना है और नाक के ऊपर यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो। और बिफ़ोर आफ्टर अगर देखना चाहें तो ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, कुछ जगह पर हमने यूज़ नहीं लिया जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं। बालों के ऊपर लेंगे तो जो बाल होंगे वो भी शानदार लगेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि स्किन के साथ में ब्लर हो जाएंगे, बहुत ही शानदार लगेंगे। और इस तरह से आप ट्रिक अपना करके काम में ले सकते हैं और ये एक्शन डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डाउनलोड करने के बाद में एक्शन आप किस तरह से फोटोशॉप में लेके आएँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर एक बार फिर से इस एक्शन को अप्लाई करके देखते हैं, इस एक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मेरा क्या किया हुआ है, प्लेबैक ऑप्शन के अंदर स्टेप बाई स्टेप किया, एक्सेलरेटेड कर देते हैं, फटाफट से हो जाएगा। प्ले करेंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस इसके ऊपर यूज़ लेकर के देखना है, ओपेसिटी 100% कर देते हैं क्योंकि हमें स्किन के ऊपर यहाँ पर 100% की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर इस तरह से स्किन के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है, बाल जहाँ पर बाल आ गए वहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये बाल जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर स्मूथ नहीं कर रहा है बालों को, स्किन के और बालों को सेपरेट करके दिखा रहा है यहाँ पर, और जहाँ पर गाल आ गए वहाँ पर एकदम स्मूथ स्मूथ स्किन कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो एकदम सही एक्शन। अब कैसे करेंगे आप, जैसे मैं एक्शन फाइल आपको दूंगा डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जाएं और ये जो 3 लाइन यानी कि सेटिंग वाली नज़र आ रही है इसके अंदर जाएं और
आप जब जाएंगे लोड एक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपने कंप्यूटर के अंदर से जो डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लें और ये एक्शन फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसका मैं नाम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दूंगा 01 के बजाय। तो आप डाउनलोड करके बस प्ले कर लें, और जो पुराने फोटोशॉप जैसे 7.0 वगैरह के ऊपर वर्क नहीं करेगा, सरफेस ब्लर उसमें है नहीं इसलिए, तो उसके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो गिशन ब्लर आप सरफेस ब्लर की जगह यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसी से लगेगा इसलिए मैंने ये लिया। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन, आप सीसी का कोई भी वर्जन यूज़ में ले सकते हैं उनके ऊपर, ये इस तरह से जिनके अंदर सरफेस ब्लर होगा, बाकी वर्जन से कोई मतलब नहीं है, जिस वर्जन के अंदर सरफेस ब्लर है और अदर के अंदर जाएंगे तो हाई पास है उसके ऊपर ये एक्शन और ये ट्रिक काम करेगी, आप उसके अंदर ये काम कर सकते हैं, बाकी कोई प्लगइन व्लगइन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह से आप स्किन को शानदार बना सकते हैं तो बनाइए, बस ध्यान रखें कि अगर पूरे के ऊपर इस तरह से कर देंगे तो ये अजीब लगेगी, तो जहाँ जहाँ पर जो बड़े एज आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और स्किन को ही आप सिलेक्ट करें। दोस्तों हमने जो एक्शन बनाया है इस वीडियो के अंदर, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, लेकिन अगर आप एक फोटोशॉप को हमेशा यूज़ लेने वाले प्रोफेशनल फोटोशॉप यूज़र हैं तो आपका काम सिर्फ इस एक एक्शन से नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है कि हर तरह की अलग अलग फ़ोटो और छोटी बड़ी फ़ोटो के ऊपर काम करना होता है। तो आप क्या करें इस बात को समझ लें कि हाई पास और इस सरफेस जो फिल्टर है ब्लर है इसको कहाँ पर कितने किस हिसाब से आपको यूज़ में लेना है, तो वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा फ़ोटो के हिसाब से आप करना करके ट्राई कर लें कोई भी फ़ोटो के ऊपर, आप छोटी बड़ी दूसरी फ़ोटो के ऊपर, और फिर उसके हिसाब से ही आप वर्क करें। हाई पास अगर आप ज़्यादा शार्पनेस चाहते हैं तो आपको हाई पास की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, कम शार्पनेस चाहते हैं तो कम की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने हिसाब से एक्शन आप बनाएं। और एक्शन बनाना नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो के अंदर तो बता ही दिया, और ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं मेरे बेसिक फोटोशॉप की वीडियोज़ के अंदर भी मैंने बताए हैं, तो वो भी देखें। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।